इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने की जानकारी सामने आ रही है, जिन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। शाहीन बाग थाने में केस दर्ज था और इसी सिलसिले में इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका ताल्लुक पीएफआई से बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई जो कि 5 साल के लिए भारत में बैन हो चुका है और उसको लेकर एक्शन भी लगातार देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका कनेक्शन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था। उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन पर पहले से मामला दर्ज था। वहीं राजस्थान के बीकानेर जिले वही राजस्थान से खबर आपको बता दें, जहां के बीकानेर जिले में एक आदमी हाथ में टूटी बोतल और ईंट लेकर दुकान की छत पर चढ़ गया और ड्रामा करने लगा। उसकी जिद थी कि वो आत्महत्या करेगा। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और छत पर चढ़कर धमकी देता रहा कि अपने हाथ की नस काट लेगा। इस दौरान तमाशबीन लोगों में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की। इस बीच एक सिपाही ने शटर के सहारे छत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन छत पर खड़े सनकी आदमी ने सिपाही पर बोतल दे मारी तो वो नीचे उतर आया, जिसके बाद सिपाही पीछे के रास्ते से छत पर चढ़ा और सनकी आदमी को काबू कर लिया। घटना बीकानेर के दंतौर इलाके की है, जहां शराब की दुकान पर काम करने वाला दर्शन सिंह छुट्टी लेकर घर जाना चाहता था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली तो वो अपने मालिक से नाराज होकर दुकान की छत